हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मावे टीजी रेसिपी। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के पकौड़े। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे और फूले फूले बन के एकदम तैयार होते हैं और बहुत ही कम झंझट में और कम समय में भी बन के तैयार हो जाते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें ले लिए चार कच्चे आलू और इसे मुझे फटाफट से छील लेना, सबके छिलके मुझे अच्छी तरीके से रिमूव कर देना है। और उसके बाद जैसे मैं छिलके हटा लेती हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से हमारे छिलके से रिमूव हो जाएंगे। तो सारे छिलके में निकल गए, छिलके को अब आपको फेंक देना है और ये आलू को आपको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। और अब इस आलू का देखते हैं मुझे क्या करना है। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और इसे फटाफट से मुझे कट कर लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको मोटे में नहीं कट करना है, सर्कल शेप में, जैसे आप किसी का सैलड कट करते हो ना, बस आपको वैसे ही इसे कट करना है। तो आप देख सकते हो एकदम मीडियम साइज़ का मैंने कट किया है, बहुत ज़्यादा मोटा या पतला आपको नहीं कट कर देना है। तो इसको आपको फटाफट से कट कर लेना है। तो ऐसे मैंने दो आलू कट कर लिया, ये मेरा तीसरा आलू। एकदम संभाल के आप कट करिएगा, जल्दी जल्दी मत कट करिएगा जिससे कि आपका हाथ ना कट जाए। तो मैंने अब देख सकते हो मेरे चारों आलू मैंने कट कर लिया है। अब उसके बाद देखते हैं आगे मुझे क्या करना है। आलू को रखते हैं साइड में। यहाँ मैंने ले लिया है बेसन, एक कटोरी मेरा गाइस बेसन है। और उसके बाद मुझे इसमें कुछ कुछ सामान ऐड करना है। ये मेरा हल्दी है और ये मेरा स्वाद अनुसार नमक है और ये मेरा धनिया पाउडर। ये गाइस मेरा है लाल मिर्च पाउडर। और फिर मैंने डाला यहाँ अदरक का पेस्ट और फिर डाले लहसुन का पेस्ट। और ये गाइस मेरा है सूजी 4 से 5 चम्मच। और फिर मैंने डाला इसमें आमचूर पाउडर। और फिर क्या, ये हमारा अच्छे तरीके से मुझे चम्मच से मिक्स करना है और उसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आपको परफेक्टली थिक बैटर बना लेना है, एकदम गाढ़ा बैटर बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा आपको पानी एक बार में नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके एकदम आपको एकदम ऐसा गाढ़ा सा बैटर बना लेना है। और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। यहाँ मैंने ले लिया है खाने वाला सोडा, इसे कहीं कहीं मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये खाने वाला सोडा है। मैंने इसमें डाल दिया 2 से 3 पिंच और थोड़ा सा एकदम पानी डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, और इसे अच्छे तरीके से हम पूरे बैटर में मिक्स कर देंगे। तो हमारा परफेक्टली बैटर एकदम बन के तैयार हो गया है। अब देख रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अब ये मेरा है आलू जो मैंने कट करके रखा था पीसेस में, स्लाइसेस में। अब इसे फटाफट से आपको कोटिंग इस पर कर देना। आप देख सकते हो तो अच्छी तरीके से मैं कोट कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी कोट करना है। एकदम इस पर अच्छी तरीके से कोट हो जाए तो अगर आपका बैटर थिक रहेगा तभी कोट हो पाएगा, पतला बैटर में कोट नहीं हो पाएगा। तो गाइस बैटर आपको थिक ही रखना है। तो अब आप देख सकते हो फटाफट से ऐसे कोट हो रहा है। और इधर मैंने दूसरी साइड रख दिया है कढ़ाई गैस पे और कढ़ाई में हम डाल देंगे फटाफट से ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसे फटाफट से हम अपने पकौड़ियाँ डालना शुरू कर देंगे, जिससे मैंने जो आलू को लेकर बैटर में कोटिंग की थी और उसके बाद मुझे इसमें कढ़ाई में डाल देना है। तो गाइस एक बात का मतलब एकदम ही ध्यान रखिएगा कि बैटर आपको थिक होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा फिर टेस्टी लगता है ये हमारा पकौड़ी। वैसे मैंने दो डाल दिया इसमें और फूले फूले एकदम हमारा बन के तैयार होते हैं। और मैं इसे मीडियम फ्लेम पर तल रही हूँ, आप लोग भी मीडियम फ्लेम पर तलिएगा। तो इसे फटाफट से हम अरे उलटते पुलटते तल लेंगे। तो अब आप देख सकते हो कितने ज़्यादा इजी इंग्रेडिएंट्स, मतलब इजी रेसिपी है हमारी और कम इंग्रेडिएंट्स में इतने ज़्यादा टेस्टी हमारी पकौड़ी बनके तैयार हो जाएगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा हमारा कलर आया है पकौड़ी का और कितना ज़्यादा हमारा फूला फूला भी बना है। अब ये वाला हमारा बन चुका है पकौड़ी जो एकदम मैंने फर्स्ट टाइम डाला था। और इसे हम फटाफट से अपने एक प्लेट में निकाल लेते हैं
और इसी प्रोसेस में अपने अपने सारे पकौड़ियों को तल लेना है गाइस। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बारिश के मौसम में तो पकौड़ी मज़ा ही आ जाता है। तो आप इस पकौड़ी को ज़रूर एक बना के देखिएगा इस बारिश के मौसम में। यकीन मानिए पूरे फैमिली को, अगर मेहमान भी आ जाते हैं उन्हें भी बहुत ही पसंद आने वाला है, बच्चों से लेके बड़ों तक को पसंद आएगा ये पकौड़ी आज की। तो अब आप देख सकते हो कितने इजी तरीके से हम बना रहे हैं। तो ये हमारी पकौड़ी बन के तैयार हो गई। इसी प्रोसेस में हम बच्चे को अपने पकौड़ियों को भी बना लेंगे, तल लेंगे मतलब। तो अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसी प्रोसेस में हम पूरे अपने पकौड़ियों को बना लेने वाले हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आज की शानदार सी मज़े की पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं आलू की। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी भी बना है, और अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो कितना ज़्यादा हमारा क्रिस्पी बना है। तो फिर मिलते हैं अगले न्यू इजी रेसिपीज में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी मुझे आगे भी सपोर्ट करती रहेगी। एंड अगर इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व करिए या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करिए, दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसे गाइस टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर लिया है, आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। और मुझे मतलब मैं तो जा रही हूँ भाई खाने। ओके बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मुझे आगे सपोर्ट करते रहिएगा।